How are you? Today we'll see lesson number 4 of compiler construction. But before starting today's lecture, let's have some overview of previous lectures. Decomposition of a compiler. Last lecture में हमने compiler के different phases देखे थे कि किस तरह हर phase की क्या input है और क्या output है. ये उसकी एक simple abstract diagram है जिसमें उसकी decomposition दिखाई गई है. आज जो हम देखेंगे वो basically lexical analyzer को स्टडी करेंगे कि वो किस तरह टोकन स्ट्रीम में उसको थोड़ा सा जो उसके इनिशियल फेज है लेक्सिकल एनालाइजर का वो किस तरह कन्वर्ट करता है करेक्टर स्ट्रीम को टोकन स्ट्रीम के अंदर. ये उसके स्टार्टिंग का इसका पार्ट आज देखेंगे हम. सिंपली स्पीकिंग कंपाइलर इन 7 फेजेस का नाम है जिसमें फर्स्ट जिसमें जो उसको मेन इनपुट मिलती है वो करेक्टर स्ट्रीम होती है और जो उसकी फाइनल आउटपुट होती है दैट इज टारगेट मशीन कोड. ये उसके बाकी सारे इंटरमीडिएट फेजेस हैं जिसमें उसको डिफरेंट मराहल में इनपुट और आउटपुट्स जो हैं मिलती रहती हैं और वो उसको प्रोवाइड करते रहते हैं जिसमें टोकन स्ट्रीम जनरेट होती है, सिंटैक्स ट्री जनरेट होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, फिर उसको कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है, फिर मशीन कोड जनरेट होता है, फिर एट दी एंड उस मशीन कोड को भी ऑप्टिमाइज जो है कर दिया जाता है ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सके. लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड यूजिंग जनरेशन एज वेल. लास्ट लेक्चर में हमने जनरेशन देखी थी लैंग्वेजेस की, उसमें 5 जनरेशन को हमने चेक किया था. फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940s की बेस पे थी, उसमें आर्किटेक्चर स्पेसिफिक बाइनरी जो लैंग्वेज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, जो कि क्या बाइनरी स्विचेस पे, पैच पैनल्स पे और टेप वगैरह पे हम यूज करते थे उसको. सिंपल प्रोग्राम के लिए यूज होती थी, इसमें कोई भी हम कम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो इन्वॉल्व नहीं करते थे. सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने जो देखा था वो असेंबली बेस्ड लैंग्वेजेस थी. तो असेंबली बेस्ड लैंग्वेजेस थी वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो है उन दोनों इनमें ये डिफरेंस आ रहा है सही से इसमें कि वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन और ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन जो सेट्स हैं कोड के ये होते थे. और इंटेल x86 बेस एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हम इनको यूज किया करते थे, इनमें जो है डिफरेंट डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर तो इनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे असेंबली लैंग्वेज को बेसिकली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए. थर्ड जनरेशन में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी इन्वॉल्व थी. जिसमें सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, बेसिक, कोबोल, लिस्प एंड एमएल. इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और इससे पहले स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट था उसको फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिप्लेस किया गया. और देन जो है उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एक इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, इस तरह PHP है, जावा स्क्रिप्ट है एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस, ऑक है, TCL है. देन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली फोकस्ड लैंग्वेज थी, यानी कि वो किसी एक डोमेन को एड्रेस करती थी, जिस तरह SQL जनरिक फॉर डेटाबेसिस के लिए, MATLAB गाइड सिर्फ MATLAB के लिए यूज होती थी जिसमें सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं, कोल्ड फ्यूजन एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो कि बेसिकली डिजाइनिंग और ग्राफिक्स में काम आती थी. इसी तरह एट दी एंड जो आजकल चल रही हैं प्रोलॉग और मर्करी, ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेज में बेसिकली AI बेस्ड जितनी कंप्यूटेशंस होती हैं, जितने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं AI के उसमें ये यूज होती हैं. इसकी एप्लीकेशन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज को ये डील करती हैं, AI को, एक्सपर्ट सिस्टम्स को, तो ये सारा एक ओवरव्यू था जो फाइव जनरेशन जो है लैंग्वेजेस के उनका, कि इनमें क्या डिफरेंस था, कौन सी लैंग्वेज कब आई और उनमें क्या थोड़ा थोड़ा गैप था और किस मकसद के लिए यूज हुई. इनमें जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, C#, ये सारी वाइडली यूज होती हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर. मॉडलिंग इन कंपाइलर डिजाइन, तो कंपाइलर डिजाइन के डिफरेंट मॉडल्स हैं. कंपाइलर डिजाइन जो है वो हैवीली बेस करता है
थ्योरी के ऊपर। प्रैक्टिकल नो डाउट है कि उसका मेजर पार्ट प्रैक्टिकल भी है, लेकिन जो उसकी जितने कंसेप्चुअल हैं, जितनी उसकी मैथमेटिक्स है, वो मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड है। सो कंपाइलर डिजाइन इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर थ्योरी हैज हैड द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन प्रैक्टिस। कि जितनी कैलकुलेशंस को पहले हम जस्टिफाई करते हैं ऑन पेपर, देन उसको कोडिंग के थ्रू जो है वो देन उस चीज को बिल्ड किया जाता है, देन उस चीज को कोड किया जाता है। तो इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। मॉडल्स दैट हैव बीन फाउंड यूजफुल इंक्लूड, इसमें ऑटोमेटा को यूज किया जाता है, ग्रामर को यूज किया जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को, ट्रीज को, एंड सो मेनी अदर मॉडल जिनको हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं कंपाइलर डिजाइन के अंदर। आज हम ग्रामर्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और दो तीन एग्जाम्पल की ग्रामर्स एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन ग्रामर्स को जनरेट करके भी देखेंगे एग्जैक्टली ग्रामर क्या चीज है। देन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा कोर्स, हम बाकी ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्रीज को भी आज हम थोड़ा सा इनिशियल देखेंगे, इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रीज की नॉर्म्स को ये क्या है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इन सब चीजों को ऐसा ऐसा देखेंगे। मेजर एक्सपेक्ट जो है किसी भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के दौरान वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है। अब क्योंकि अगर कंपाइलर की वजह से हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस या कोई भी लैंग्वेज जो इनपुट सोर्स लैंग्वेज है उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। क्योंकि आजकल परफॉर्मेंस को भी एक काफी ज्यादा रैंकिंग दी जाती है। सो ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसीजर इन विच वी प्रोड्यूस कोड दैट इज मोर एफिशिएंट देन द ऑब्वियस कोड। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर तीन चीजें हैं जिनको हमने मेजरली फोकस करना होता है, जो हर सूरत जिनका ख्याल रखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज कि जो ऑप्टिमाइज्ड कोड हो वो करेक्ट हो, मींस कि जो प्रोग्रामिंग की सिमेंटिक्स जो सोर्स प्रोग्राम की है वही कंपाइल्ड फॉर्म की भी होनी चाहिए। कोई ये ना हो कि अगर हम सोर्स प्रोग्राम को जो उसकी इनपुट कुछ देते हैं और आउटपुट कुछ आ रही है, और एट द एंड जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है उसकी आउटपुट डिफर कर रही है शुरू वाले प्रोग्राम से, तो या जो हमारा डिजायर्ड प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व नहीं कर रही आफ्टर कंपाइलिंग, तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑप्टिमाइजेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट, कि उसका करेक्ट होना लाजमी है। और सेकंड के मेनी प्रोग्राम्स, मींस के वो ये नहीं है कि कंपाइलर जो है सिर्फ एक प्रोग्राम या पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम को तो ऑप्टिमाइज, वो कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फेज जो है कंपाइलर का वो एक पर्टिकुलर सेट को तो ऑप्टिमाइज कर दे, लेकिन बाकी सारी जो उसको प्रोग्राम दे उनको ऑप्टिमाइज ना करे। तो ऑप्टिमाइजेशन का एक ये एस्पेक्ट भी हमने मद्देनजर रखना है कि या हमें रखना चाहिए कंपाइलर की डिजाइनिंग के अंदर, कि जितने भी प्रोग्राम उसको एज ए सोर्स दिए जाएं वो उन सब की सबको ऑप्टिमाइज करे, या मोस्टली प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज करे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि वो करेक्ट, और दूसरा कि वो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज करे। थर्ड, कंपाइलेशन टाइम मस्ट बी केप्ट रीजनेबल, कि जो टाइम कंस्ट्रेंट है, मींस कि अगर जो कंपाइलर का फेज है नॉर्मली बगैर ऑप्टिमाइजेशन के 10 सीपीयू साइकिल्स ले रहा है या 1000 सीपीयू साइकिल्स ले रहा है, और ऑप्टिमाइजेशन अगर ऐड कर दे हम कंपाइलर के अंदर, तो वो टोटल 2000 सीपीयू साइकिल्स ले रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो हमने इस टाइम को भी रीजनेबल रखना है कि 1000 से 1200 तक चला जाए, 1150 तक चला जाए, तो दैट इज ओके। मींस के ऑप्टिमाइजेशन का टाइम की जो है बाइंडिंग उसको भी ख्याल रखना है। टुडेज लेसन, आज हम देखेंगे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन लेंगे क्या चीज है। देन सिंटेक्स डेफिनेशन, के सिंटेक्स क्या चीज है, बेसिकली सिंटेक्स को किस तरह हम एक जो हमारे पास जो सीरीज ऑफ करेक्टर रहते हैं इनपुट के, उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं। इसमें फिर हम सीएफडी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन डेरिवेशन, पार्स ट्रीज, एम्बिग्युटी, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इन दोनों को एट द एंड देखेंगे कि क्या चीज है, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी ग्रामर के ऊपर। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, दिस सेक्शन इलस्ट्रेट्स द कंपाइलिंग टेक्निक्स बाय डेवलपिंग अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू द थ्योरी एड्रेस कोड, व्हिच इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इन द कंपाइलर फेजेस।
तो जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर वो बेसिकली क्या करता है कि सोर्स प्रोग्राम को, जो अभी सोर्स प्रोग्राम है सोर्स लैंग्वेज के अंदर, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एक थ्री एड्रेस कोड के अंदर। ये थ्री एड्रेस कोड की नॉर्म्स को हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था, जिसमें बेसिकली तीन ऑपरेंड्स होते हैं, उनकी कुछ सेक्शंस को भी हमने देखा था। आज हम उनको देखेंगे मजीद के क्या चीजें हैं, बट आवर मेजर फोकस विल बी ऑन फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर, लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जो कि इस के एंड पे जो प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो जो हमारे पास एक थ्री एड्रेस कोड है वो जनरेट हो चुका होगा। लेकिन इस पूरे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की आज पहला वर्जन है, तो इस पहले वर्जन में या फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लेक्सिकल एनालाइजर और फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मॉडल ऑफ अ कंपाइलर ऑफ अ फ्रंट एंड, तो ये बेसिकली जो अभी हमने देखा कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है उसका सोर्स प्रोग्राम इनपुट और फाइनल आउटपुट इज द थ्री एड्रेस कोड, सिंबल टेबल जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई दफा कि ये तमाम फेजेस को इनपुट प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर, जो सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड पार्ट इज पार्सिंग, जो कि टोकन्स को एक सिंटैक्स ट्री के अंदर, सिंटैक्स ट्री इज आल्सो एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें जनरेट करता है। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो बेसिकली ट्री से फिर थ्री एड्रेस कोड की जो कोडिंग की स्कीम है उसमें कन्वर्ट कर लेता है। सिंबल टेबल इन तीनों फेजेस को हेल्प आउट करता है, या इनसे इंस्ट्रक्शन रहती है उसकी कोई भी इनपुट आउटपुट लेने के जो है वो कोडिंग के मतलब, या सोर्स कोड के जितने भी हम उसको पीसीज करते हैं वो इसमें बेसिकली सेव कर लेते हैं सिंबल टेबल में। तो ये एक मॉडल है जो कंपाइलर का फ्रंट एंड भी जिसको कहा जाता है लेक्सिकल एनालाइजर, एनालिसिस फेज, बेसिकली एनालिसिस फेज। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस फेज को। एनालिसिस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी कंपाइल्ड, तो एनालिसिस का जो कंप्लीट फेज है तो जो इस लैंग्वेज जो है सोर्स प्रोग्राम की, इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली उसके राउंड सारा चल रहा होता है। एनालिसिस का जितना फेज है वो जो सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज है उसका जो सिंटैक्स है उसके गिर्द ये घूम रहा होता है। द सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ इट्स प्रोग्राम्स, तो क्योंकि जो सिंटैक्स है वो इस पूरे प्रोग्राम की जो फॉर्म है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। द सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज डिफाइन व्हाट इट्स प्रोग्राम मींस, यानी कि ये सिंटैक्टिकली ठीक है और ये सिमेंटिकली ठीक है, कि भाई इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि सिंटैक्स का मतलब है कि जो लैंग्वेज के जो सेक्शंस हैं उसका फॉलो किया गया है, मींस के लैंग्वेज ने जो भी अपने कीवर्ड सही हैं, डेटा टाइप सही हैं, आपस में जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, ये उसका सिंटैक्स को फॉलो किया गया नहीं। और सिमेंटिक्स ये चीज है कि क्या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं अकर हो रही किसी ऑपरेशन के नतीजे में कि जो कि प्रोग्राम को इन्फिनिट लूप में डाल दे, या मेमोरी का वेस्ट करे, या इन्फिनिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर ले, या कोई ऐसी चीज कर ले कि मशीन स्टक हो जाए। तो दैट आर ऑल रिलेटेड, दैट ऑल प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। फॉर स्पेसिफाइंग सिंटैक्स CFG is used, तो हम उसके सिंटैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए, सोर्स लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करते हैं। इसको यूज किया जाता है जिसको बेकस नॉर फॉर्म और BNF भी कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, या उसको डिवाइड करके जिस फॉर्म में लिखते हैं जो कि हमारी कंपाइलर को एड करती है अपने नेक्स्ट फेजेस में कंटिन्यू करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, वो एक सिंटैक्स की स्पेसिफाइड फॉर्म है, यानी कि सिंटैक्स को हम उस फॉर्म में लिख देते हैं सारा। हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब हमने ये कंप्लीट करने के फेज को, तो बेसिकली हम इस
जगह पहुंच चुके होंगे कि हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो कि ये एक्सप्रेशन होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स फॉर्म में। इनफिक्स वो होता है जिसके अंदर ऑपरेटर उसके मिडल में होते हैं, और पोस्ट फिक्स वो होता है जिसमें ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं। मीन्स कि जिस तरह जेनेरिकली अगर हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, इस इक्वेशन को हल करना है, तो पहले मैं इसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, 9 - 5 = 4 प्लस 2। अब सेकंड पे मैं इसको करूंगा और 4 + 2 = 6, तो इसका 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये, अब मैंने क्यों पहले इस माइनस को सॉल्व किया और इस प्लस को क्यों नहीं किया पहले, क्योंकि इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है जो कि एसोसिएटिविटी कहा जाता है, ऑपरेटर्स की मैथमेटिकल टर्म है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, प्रोग्रामिंग में भी अक्सर यूज होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले हमने जो है वो ऑपरेट करना है या उसको उस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। तो अगर तो दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो उसकी एसोसिएटिविटी देखनी है कि कौन सा पहले या लेफ्ट साइड राइट, या उसकी जो है वो प्रेसिडेंस देखनी है कि किस ऑपरेटर की अहमियत ज्यादा है, किसको हमने पहले ऑपरेट करना है। इस चीज को हम आगे जाकर स्टडी करेंगे एट द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, कि ये लास्ट पार्ट में टच करेंगे कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या चीज है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं इस तरह भी कर सकता था, 9 - 5 + 2 पहले ये कर लूं, 9 - 5 और 2 = 7। तो इस सूरत में मेरे पास जो आंसर होता है वो 2 होता। अब चेक ये करना है कि आया 6 ठीक है या 2 ठीक है। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करें जो मैथमेटिकल रूल हैं, तो 6 इज द राइट आंसर। ये कैसे राइट है इसको हम एट द एंड देखेंगे। ये एक साइड ऑफ स्टोरी थी। अब हमने ये देखना है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या चीज है। अब इस पोस्ट फिक्स फॉर्म की मदद से हमने ये जो कैलकुलेशन करनी है वो कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले ये परफॉर्म, क्योंकि पहले उसको एरे में मिला 9, उसके बाद 5, उसके बाद माइनस, तो वो क्या करेगा, 9 - 5, इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 4, और फिर उसको 2 मिला और प्लस। अब पहले उसने 4 को बाहर निकाला, फिर 2 को, फिर प्लस, तो उसने क्या कर दिया, 4 + 2 = 6। तो पोस्ट फिक्स फॉर्म को जब हम एवेल्युएट करेंगे, ये देखेंगे कि हमने किस तरह एवेल्युएट किया है, किस तरह हम उसको स्टैक में रखते हैं, किस तरह हम उसको बाहर निकालते हैं, एरे में रखते हैं, स्टैक में बेसिकली इनको रखा जाता है, फिर पुश पॉप करके उनको बाहर निकाला, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन हमने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में जब कन्वर्ट कर देना है तो ये चीज हमें सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की मदद से करेंगे। सिंटैक्स डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, जो हमने अभी पहले देखा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ग्रामर भी कहा जाता है, कि हमने इसकी ग्रामर जनरेट कर दी, यानी कि सिंटैक्स को स्पेसिफाई कर दिया ग्रामर से। अ ग्रामर डिस्क्राइब्स द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। ग्रामर क्या करता है कि जो भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उनको स्पेसिफाई कर देता है, किसमें, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर, ये जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज होता है, इफ एल्स स्ट्रक्चर, कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस एंड एग्जिट, इफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो एल्स के बाद वाला पार्ट है। तो ये किसका एक कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इफ एल्स का। इसको अभी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कन्वर्ट करके देखते हैं अपनी ग्रामर के अंदर। सो इसकी सिंटैक्स डेफिनेशन कैसे होगी, दिस रूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्शन बाय यूजिंग द वेरिएबल EXPR, उसकी शॉर्ट फॉर्म कह दी, टू डोनेट एन एक्सप्रेशन, एंड द वेरिएबल स्टेटमेंट टू डोनेट अ स्टेटमेंट। तो लास्ट स्लाइड में अगर देखें तो हमारे पास दो चीजें थी, एक्सप्रेशन और एक स्टेटमेंट, और ये इफ एल्स एज इट इज। तो हमने क्या किया, अभी इसके दो पार्ट, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो जो ग्रामर का रूल है उसके उसके जितने रूल्स होते हैं ग्रामर में उसको हम प्रोडक्शंस कहते हैं, ये इस ग्रामर की प्रोडक्शंस है। तो ये बेसिकली हमने एक प्रोडक्शन के तौर पर इसको एक्सप्रेस किया, जिसमें ये चीज सेम है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, सिर्फ इनको नोटिफाई कर दिया कि जो स्टेट जो एक्सप्रेशन है उसको EXPR से, स्टेटमेंट को STMT से, और सेकंड स्टेटमेंट को भी, जो भी जितनी भी स्टेटमेंट अक्रेंसेज होंगी इस स्टेटमेंट के उसको हम स्टेटमेंट से कर रहे हैं। अब ये पार्ट क्या चीज है, ये एक नई चीज है इसके अंदर, ये हिस्सा जो है,
तो बेसिकली जो भी इसका रिजल्ट होगा वो एक स्टेटमेंट ही होगा, मींस के इसके रिजल्ट में जो भी हमें चीज मिलेगी दैट इज अ स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट को जब भी हम ओपन करेंगे तो वो ये पूरे का पूरा हमारे पास लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट। इन अ प्रोडक्शन लेक्सिकल एलिमेंट्स लाइक द कीवर्ड इफ एल्स एंड द पैरेंथेसिस आर कॉल्ड टर्मिनल्स। तो इसमें इफ को, ब्रैकेट्स को और एल्स को, इन चारों को कहा जाता है टर्मिनल्स। सेकेंड, वेरिएबल्स लाइक एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सीक्वेंसेस ऑफ टर्मिनल्स एंड आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स। तो इनको नॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज फोर बेसिक कंपोनेंट्स। एक चार कंपोनेंट्स को मिला के हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो बनाते हैं, मींस के इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो वो ग्रामर कंप्लीट नहीं होगी। पहली चीज, अ सेट ऑफ टोकन्स यानी कि टर्मिनल सिंबल्स, लाइक जिस तरह हमारी प्रीवियस एग्जांपल में जो टोकन्स थे दैट आर इफ एल्स एंड ये चीज। तो ये हमारी प्रीवियस जो भी हमने एग्जांपल देखी उसमें ये चीजें हमारे पास टोकन्स थे। नॉन टर्मिनल्स में हमारे पास सेकेंड है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स में हमारे पास है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है। सेट ऑफ प्रोडक्शंस, ये हमारे पास पूरी की पूरी जो थी लाइन ये प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। तो तीन रूल्स हमने सेटिस्फाई कर दिए। फोर्थ है डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल। तो ये जो राइट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे, जो इस मेरे लेफ्ट साइड पे बन रहा है आपके यकीन राइट साइड पे होगा, तो जो बेसिकली स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल, कि हमने उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। तो स्टेटमेंट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल, जो कि एक ही होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। दो स्टार्ट सिंबल्स जिस ग्रामर में होंगे या निकल रहे होंगे तो वो एम्बिग्यूस होगी, मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट एलाबोरेट्स दीज कंपोनेंट। अब हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं, एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेट्स सपोज तीन एक्सप्रेशन है 9-5+2, 5-4 और सिंगल एक वेरिएबल दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन जो कि एक डिजिट है, तीन है। और इसमें मेरे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं दैट आर प्लस एंड माइनस। तो अभी हम जो ग्रामर लिखेंगे वो बेसिकली इन दो चीजों के लिए लिखेंगे, इन दो जो है साइंस इसके लिए हम अपनी ग्रामर को लिखेंगे। तो मैक्सिमम इन दो सिंबल्स के साथ क्या हो सकता है, कोई दो डिजिट्स जो हैं उनको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या हम सिंपल डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसमें डिजिट्स भी हैं, और कुछ नहीं कर सकते हम। और हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन को या लिस्ट ऑफ डिजिट्स को इवेल्युएट करके फिर एक डिजिट के साथ लिखें, जिस तरह हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, मीन कि पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म हो पूरा, देन प्लस हो किसी दूसरे डिजिट के साथ, या ये भी हो सकता है कि हम 9-5+2-4-2 कि हम इसको पहले करें और फिर हम इसको करें। तो इसमें दो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए जो कि सब एक्सप्रेशन है बेसिकली, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ लिस्ट भी हो सकती हैं डिजिट की, सिंगल डिजिट भी हो सकता है और बिल्कुल एक डिजिट भी हो सकता है। तो इसके लिए अब हम रूल लिखेंगे सिर्फ इन दो ऑपरेटर्स के लिए, प्लस माइनस, क्योंकि और भी काफी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं जिस तरह मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम इन दोनों को फोकस कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहला एक देखता हूं जो अभी हमने देखा कि हम दो एड कर सकते हैं। तो स्टार्ट में कहां से कह रहा हूं, किसी लिस्ट से। लिस्ट क्या चीज है, लिस्ट वो चीज है जिसके अंदर डिजिट, एक डिजिट भी आ सकता है, दो डिजिट्स भी आ सकते हैं और एक एक्सप्रेशन भी आ सकता है। तो लिस्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिस्ट क्या कर सकते हैं, लिस्ट में हम पहले प्लस, कि एक प्लस का ऑपरेशन कर सकते हैं, लिस्ट प्लस डिजिट। सेकेंड, लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, माइनस, दूसरा भी हो गया। और थर्ड हम क्या कर सकते हैं लिस्ट से, कि सिंगल एक डिजिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर दफा कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, लास्ट
पे जो लीव्स होते हैं उनमें कोई ऑपरेशन जो है वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होता, तो वो तीन रूल्स तो ये बन गए जो कि ये लिखे हैं। और डिजिट्स क्या हो सकते हैं? डिजिट्स हमारे पास हो सकते हैं 0, 1, 2, कोई भी इनमें से जो पार्ट है वो डिजिट हो सकता है। ये बेसिकली 0, 1, 2, 9, इसमें ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा जो है ग्रामेटिकली इसमें गलत हो गया, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है वो ये है 0, 1, 2 से लेके 9 तक। तब हमने ये देखा कि हमारे पास इन एक्सप्रेशंस के जो ग्रामर है, ये जो चार एक्सप्रेशन तीन एक्सप्रेशन हमने देखे थे, इसकी जो ग्रामर है वो उनकी प्रोडक्शन जो बनी है ग्रामर की, वो चार प्रोडक्शन है। पहली के दो को ऐड कर सकते हैं, दूसरी दोनों को माइनस कर सकते हैं, तीसरी के वो सिंगल डिजिट हो सकता है, और डिजिट क्या क्या हो सकते हैं वो सारे हमने इसमें मेंशन कर दिया कि 0 से लेके 9 तक। अब जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के चार रूल्स थे उसमें से पहला रूल था कि उसमें टर्मिनल्स हों, तो इसमें हमारे पास ये टर्मिनल्स हैं 0 से लेके 9 तक सारे टर्मिनल्स हैं। नॉन टर्मिनल्स हमारे पास दो हैं, लिस्ट और डिजिट। तीसरा रूल था कि उसमें डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल हो, और ये लिस्ट जो है ये डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल। और चौथा के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्शंस हो, तो ये चार प्रोडक्शंस हैं हमारे पास। तो यहां से अभी हमने एक ग्रामर बना लिया, थोड़ा सा बट डिफिकल्ट कि ये किस तरह बन गई, लेकिन अगर हम सिंपल सिंपल देखें तो लिस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं डिजिट से, लिस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक प्लस के ऑपरेशन से, लिस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक माइनस के ऑपरेशन से, और ये तीन ही चीजें हमारे पास हैं। अब अगर एक क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि लिस्ट को हम इस तरह क्यों नहीं लिख सकते, लिस्ट डिजिट प्लस डिजिट, क्योंकि बेसिकली तो डिजिट प्लस डिजिट हो रहा है। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं 9 प्लस 5 प्लस 2, इस एक्सप्रेशन के लिए अब मेरे पास प्रोडक्शंस ये है, अब ये प्रोडक्शन नहीं है कि लिस्ट प्लस डिजिट, इसकी जगह मैंने लिख दिया लिस्ट जो है डिजिट से डिजिट तक, माइनस है नहीं इसकी मुझे जरूरत नहीं, तो मेरे पास दो हो गए लिस्ट से डिजिट और डिजिट से डिजिट प्लस डिजिट। अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये स्टार्टिंग सिंबल मेरे पास लिस्ट है, तो लिस्ट से पहली जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, अब ये डिजिट है तो मैं स्टार्ट में इसको अगर कर देता हूं डिजिट प्लस डिजिट, तो मेरे पास आ जाएगा डिजिट प्लस डिजिट। अब डिजिट प्लस डिजिट का तीन डिजिट्स का मेरे पास कोई रूल नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं, मेरे पास जो रूल है वो दो का है, डिजिट प्लस डिजिट आ गया तो उसका डिजिट। मीन्स के प्रॉब्लम यह है कि अगर लिस्ट होता यहां पे तो मैं लिस्ट को रिप्लेस करता डिजिट से, ये थर्ड रूल अप्लाई करता, और देन इस चीज को हम मजीद एलेबोरेट करेंगे कि यह क्या चीज है, लेकिन बेसिकली डिजिट जो है वो टर्मिनल है, डिजिट नॉन टर्मिनल है, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है वो टर्मिनल्स है, टर्मिनल से वापस हम नॉन टर्मिनल्स पे नहीं जा सकते, लेकिन नॉन टर्मिनल से हम आगे मजीद जो है वो टर्मिनल्स पे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन इस चीज को हम मजीद क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इस चीज को पहले जरा कंक्लूड कर लें थोड़ी सी मजीद, कि हमारे पास तीन एक्सप्रेशन थे एग्जाम्पल के तौर पे, दीज आर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन 9 माइनस 5 प्लस 2, सेकेंड 5 माइनस 4, थर्ड ओनली डिजिट 8। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं 9 माइनस 5, तो सबसे पहले मैं जो रूल अप्लाई करूंगा वो P2, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा P2 के नतीजे में एक लिस्ट प्लस डिजिट, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं स्पेस हो इसको मैं हम इस तरह कहते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे इसको जो है वो खुद से करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। ओके, अब ये मेरे पास वो रूल्स अब आपने ज़हन में रखने हैं P1, P2, P3, P4। अब ये मेरे पास था 9 माइनस 5 प्लस 2 जो पहला एक्सप्रेशन है, इसको अब हमने उन रूल्स की मदद से करना है।
सबसे रूल था मेरे पास लिस्ट लिस्ट प्लस डिजिट। अब ये मैंने ये बैक ट्रैक कर रहा हूं इनको, ये मेरे पास क्या चीज है, डिजिट और लिस्ट, लिस्ट माइनस डिजिट और लिस्ट से डिजिट और डिजिट से 0 से लेके 9 तक। अब मैं इनको बैक ट्रैक करने लगा हूं, 9 इज अ डिजिट तो मैं 9 से क्या कर सकता हूं यहां पे डिजिट, 5 से 5 माइनस वैसे ही 5 से मेरे पास क्या है डिजिट, लेकिन मेरे पास डिजिट माइनस डिजिट का कोई रूल नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये लिखूं कि डिजिट लिस्ट माइनस लिस्ट माइनस डिजिट प्लस डिजिट स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होगा, लिस्ट को मैं रिप्लेस करूंगा डिजिट के साथ, माइनस डिजिट प्लस डिजिट, डिजिट क्या है मेरे पास 9 माइनस 5 और प्लस 2। ये हम एक दफा नहीं इसको कर सकते, इसका हम जब ट्री बनाएंगे ना तब देखेंगे इसको हम किस तरह से जो है बार बार रूल्स यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन, गिवन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन डिटरमिन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय द ग्रामर यूजिंग डेरिवेशन। तो जब हम एक स्ट्रिंग एक ड्राइव करेंगे सीक्वेंस ऑफ टोकन उस ग्रामर की मदद से, तो उसको हम क्या कहते हैं डेरिवेशन। बिगिन विद द स्टार्ट सिंबल, हमेशा हम स्टार्ट सिंबल से बिगिन करेंगे। ये जो भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में कोशिश की है ये बेसिकली हम ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं एक रिजल्ट को, किससे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से। इन ईच स्टेप वी रिप्लेस वन नॉन टर्मिनल इन द करंट सेंटिनल फॉर्म फ्रॉम विद वन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन फॉर दैट नॉन टर्मिनल। सो अब जो हम इसकी डेरिवेशन है वो चेक करते हैं, ये जिस तरह हमने पहले ग्रामर देखी वहां पे हमने इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश की स्टार्ट में, लेकिन चूंकि अभी अपने डेरिवेशन को नहीं देखा था तो हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि डेरिवेशन क्या चीज है। दिस इज आवर ग्रामर, जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी उसकी चार प्रोडक्शंस हैं। यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, लिस्ट लिस्ट प्लस डिजिट लिस्ट माइनस डिजिट लिस्ट से ओनली डिजिट और डिजिट से 0 9। ये P1 प्रोडक्शन, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, P2 P3 एंड P4, ये हमारी ग्रामर है। अगर हमारी ग्रामर से वो एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाए जिसके लिए हमने ग्रामर लिखी है तो मींस के हमारी ग्रामर ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 9 माइनस 5 प्लस 2। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक रूल था कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें रखा था दैट इज लिस्ट, तो हमारी डेरिवेशन की जो पहली लाइन है वो लिस्ट है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड, अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो एक है दैट इज प्लस, कि प्लस को हमने लास्ट में एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे पास क्या है कि इसका जो जवाब होगा वो प्लस से एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहले कौन सा करेंगे, प्रोडक्शन रूल यूज P1, जिसमें लिस्ट को किससे रिप्लेस किया हुआ है, लिस्ट को लिस्ट प्लस डिजिट से, लिस्ट प्लस डिजिट, ये कौन सा रूल था, P1 हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास कौन सा दूसरा ऑपरेशन है, माइनस का, तो इस पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, हमारे पास माइनस का प्रोडक्शन P2, तो पहले हमने इस लिस्ट को रिप्लेस किया, अब हम इस लिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिस्ट माइनस डिजिट और ये प्लस डिजिट, वैसे ही प्लस डिजिट, और ये रूल कौन सा था, P3 और ये रूल था P2 4। अब ये हमने किस पे अप्लाई किया था, इस पे। अब हम इस लिस्ट को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डिजिट से, उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल है, P3 डिजिट माइनस डिजिट प्लस डिजिट, P3 रूल यूज कर रहे हैं, ये P1 2 3, ये पी रूल था, सॉरी ये P1 रूल ही था, ये P2 रूल था, ये P3 रूल है।
प्रोडक्शन थ्री जो भी हमारी है उसको हमने यूज किया। अब पांच पे मैंने क्या करना है, मुझे मजीद मेरे पास आ रहे अब जो है वो जरूरत नहीं है किसी को आ गए, और ना ही इनसे इन तीनों पे, इन तीनों जो भी नॉन टर्मिनल है इनसे सिर्फ मेरे पास ये 0 to 9 आ रहे। तो पहली डिजिट, पहले मैं कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूं, डिजिट माइनस डिजिट प्लस, इस डिजिट की जगह मैं इसको 2 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो रूल नंबर यूज हुआ 4। देन डिजिट माइनस, अब इस डिजिट को मैं किससे कह रहा हूं, 5 से, तो रूल नंबर फिर यूज हुआ 4। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं 9 से, 9 माइनस 5 प्लस 2, और ये रूल नंबर फिर यूज हुआ 4। तो मींस के मैंने सिंपल स्टार्टिंग सिंबल से जो एक अपनी ग्रामर में डिफाइन किया था उसकी मदद से, मेरी ग्रामर में चार चीजें थी, सेट ऑफ प्रोडक्शंस, दो नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स और स्टार्ट, जो एक यूनिक स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इसको, उसके बाद ये तमाम प्रोडक्शन रूल्स यूज किए और इसको डिराइव कर दी जो हमारी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन थी जिसके लिए हमने ये जनरेट किया था ग्रामर। अब इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन और था, सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारा था उसको हम चेक करते हैं, दैट इज 5 माइनस 4। अब 5 माइनस 4 को हम भी जनरेट करके देखते हैं इस चीज से, इस ग्रामर से, कि वो जनरेट हो सकती है कि नहीं। ये हमारा 5 माइनस 4 था, 5 माइनस 4। अब चूंकि मेरे पास जगह जरा कम है तो मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं पे ड्राइव कर लूं। स्टार्ट पहला लिस्ट वो जो स्टार्टिंग सिंबल था, सेकंड चूंकि मेरे पास जो है माइनस की प्रोडक्शन 2 है तो मैं इसको कर दूंगा लिस्ट माइनस डिजिट, और पी 2 मैंने यूज किया। इसके बाद थर्ड, अब मेरे पास चूंकि जरूरत नहीं है तो डिजिट माइनस डिजिट और पी इसमें मैंने यूज किया 3। इसके बाद डिजिट 9 5 और माइनस 4, और इसमें दोनों दो रूल यूज हुए, दो दफा रूल यूज हुए P4 and P4। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने इससे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, ड्राइव कर लिया अपने ग्रामर से। इट मींस कि ये इसको भी सेटिस्फाई करता, तीसरा भी ऑब्वियसली हम ड्राइव कर लेंगे। तो डेरिवेशंस के जो रूल हैं वो बहुत सिंपल हैं, इसमें स्टार्ट के स्टार्ट सिंपल से हमने स्टार्ट लेना, पहली प्रोडक्शन यूज हुई, दूसरी, तीसरी एंड देन 3 सिंपल प्रोडक्शन यूज हुई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है कि इसमें हमने लेफ्ट को ही रिप्लेस किया पहले। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट बिकॉज वी रिप्लेस द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल अंडरलाइन इन ईच स्टेप। इट्स नॉट कंपल्शन, लेकिन दो तरह की डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो चूंकि हमारी ये आखिरी एसोसिएटिविटी है 9 माइनस 5 की, तो इसलिए हमने पहले चूंकि 5 का ऑपरेशन परफॉर्म होना था तो इसलिए पहले हम नेगेटिव उसको रिप्लेस करेंगे और देन इसको लास्ट राइट वाले को रिप्लेस करेंगे। सो दीज आर डेरिवेशंस जो कि अभी हमने डिस्कस की। पार्स ट्रीज, पार्सिंग क्या चीज है, पार्सिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड फिगरिंग आउट हाउ टू ड्राइव इट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। जिस तरह हमने ड्राइव किया है, डेरिवेशंस की हैं अपने ग्रामर से उस एक्सप्रेशन की जिसको जिसके लिए हमने ग्रामर लिखी थी, तो इसी तरह अब हम पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग क्या चीज है कि हम उसे सिंटेक्स ट्री जनरेट करेंगे। अगर तो वो जनरेट नहीं होगा, इफ इट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर, देन इसका मतलब है कि हमारे सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है, हमने गलत उसको या ग्रामर गलत ड्राइव किया या माना सिंटेक्स गलत है। सो गिवन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अ पार्टी पार्स फ्री अकॉर्डिंग टू अ ग्रामर इज अ ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी जो हर सूरत फुलफिल होनी लाजमी है। पहला, द रूट इज लेबल्ड बाय द स्टार्ट सिंबल। तो जो भी स्टार्ट सिंबल है, जिस तरह उस प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास लिस्ट था, तो ये हमारे पास होना लाजमी चाहिए। Each leaf is labeled by a terminal or a null. यानी कि किसी ना किसी टर्मिनल से वो रिप्लेस हो रहा हो, यानी कि हमारी ग्रामर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्शन लाजमी मौजूद हो
जो उसको कभी ना कभी टर्मिनल असाइन कर रही हो. अगर ऐसा नहीं होगा तो अगेन देयर इज अ फ्लॉ. अगर कोई टर्मिनल नहीं है तो वो नल से रिप्लेस हो रहा है. ये भी रूल हमारी ग्रामर में होना चाहिए. ये जो लास्ट ग्रामर हमने देखी थी इसमें, इस ग्रामर में हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं था जो नल पे टर्मिनेट कर रहा था. तो हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, डिजिट जो है वो नल भी हो सकता है. ये हम नेक्स्ट आइंदा जो भी ग्रामर जनरेट करेंगे उसमें इस चीज को मेंशन करेंगे. ईच इंटीरियर नोड इज लेबल्ड बाय अ नॉन टर्मिनल, यानी कि जितने भी अंदर वाले नोड हैं वो कोई ना कोई नॉन टर्मिनल हो. इंटीरियर नोड कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता क्योंकि टर्मिनल से कोई आगे इसका लीव जनरेट नहीं होगा. इफ ए प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वन एक्स टू से एक्स एन प्रोडक्शन कोई रूल है, देन नोड ए हैज इमीडिएट, तो ये सारे इसके चाइल्ड होंगे एक्स वन एक्स टू और एक्स एन, जो कि एक्स आई जो है नॉन टर्मिनल हो या नल हो. यानी इससे आगे कोई नॉन टर्मिनल हो सकता है, पांच आ सकता है या नल हो सकता है, ये आगे इसे चल सकते हैं. सो अब हम देखेंगे कि 9 माइनस 5 प्लस 2 की जो एक्सप्रेशन जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं एग्जांपल, उसका पार्स ट्री यहां पे जनरेट हुआ हुआ है. तो इसका पार्स ट्री को हम एक तो ये जनरेट हुआ हुआ एक यहां पे जनरेट करते हैं अपनी प्रोडक्शन की मदद से जो अभी हमने ड्राइव यूज की, जिसमें सबसे पहले थी हमारे पास लिस्ट. तो सबसे पहले जो ट्री है उसमें हमारे पास आ गया लिस्ट. उसके बाद हमने इसको प्लस से जो है वो रिप्लेस किया था. तो अब मेरे पास इसमें तीन चीजें आ गई, प्लस लिस्ट और डिजिट. ये अगर आपको याद हो तो हमने इसको प्लस से ही पहला रूल जो पी वन रूल लगाया था, ये पी वन वो प्लस का था. उसके बाद हमने लिस्ट को फिर रिप्लेस किया था माइनस वाले के साथ और इसमें डिजिट दिया था और यहां पे लिस्ट दी थी, ठीक है. देन हमने लिस्ट को फिर रिप्लेस किया था डिजिट के साथ, इसमें रूल नंबर थ्री लगा था, और डिजिट को फिर हमने रिप्लेस किया था नाइन के साथ, और फिर इस डिजिट को रिप्लेस किया था फाइव के साथ, और फिर इस डिजिट को रिप्लेस किया था टू के साथ. तो ये बेसिकली हमारा जो वो बना है एक्सप्रेशन जो लीव्स पे बना है वो एग्जैक्टली यही बना है. अगर हम उसको देखें प्लस टू, दीज आर कॉल्ड द यील्ड्स ऑफ द पार्स ट्री, जो बिल्कुल एंड नोड्स होते हैं उनको यील्ड्स ऑफ पार्स ट्री, जो उसका हासिल है, जो उसका आउटपुट है. थोड़ी सी ट्री की टर्मिनोलॉजी को देख लें कि ट्री क्या चीज है. अ ट्री कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नोड, यानी कि ट्री का या एक नोड होगा या नोड्स उसके ज्यादा भी हो सकते हैं. सेकंड, एग्जैक्टली वन रूट, लेकिन रूट हमेशा एक ही होगा. ये नहीं हो सकता कि हमने यहां पे भी लिस्ट ना दी और इसको भी यहां से स्टार्ट कर दिया. अगर दो उसके रूट्स बन रहे होंगे इट मींस देयर इज एरर इन द सिंटैक्स. थर्ड, इफ नोड एन इज द पेरेंट नोड ऑफ एम, देन एम इज द चाइल्ड ऑफ एन, द चिल्ड्रन ऑफ वन नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स. मीन्स कि ये जो तीन चीजें हैं, चूंकि इसका पेरेंट एक है तो ये तीनों सिबलिंग्स हैं. जिनके पेरेंट सेम हो, इस नोड का सिबलिंग सिर्फ नाइन है और इसका कोई सिबलिंग नहीं है. पेरेंट इस नाइन का पेरेंट सिर्फ नाइन है और इस नाइन का कोई सिबलिंग नहीं है क्योंकि इसका पेरेंट एक ही है और किसी का पेरेंट भी ये डिजिट नहीं है. दैट्स वाई नाइन हैज नो सिबलिंग. दे हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम सबसे पहले लेफ्ट से उसको करते हैं. अ नोड विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीफ, जिस लेट्स वो इस माइनस का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो जितने भी नोड्स जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है देयर आर कॉल्ड लीफ. अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोड एन इज आइदर एन इटसेल्फ, अ चाइल्ड ऑफ एन और अ चाइल्ड ऑफ एन एंड सो ऑन. मीन्स के जो डिसेंडेंट्स हैं ये सारे डिसेंडेंट्स हैं लिस्ट के, ये सारा डिसेंडेंट है इस लिस्ट का, ये दोनों डिसेंडेंट है इस लिस्ट के, ये नाइन डिसेंडेंट है सिर्फ डिजिट का. तो जितने उसके चाइल्ड होंगे और उनके चाइल्ड होंगे वो सब के सब डिसेंडेंट है उस रूट नोड के. तो दीज आर बेसिकली ब्रीफ टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री, के ट्री में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं. एक दफा हम उनको फिर थोड़ा देख लें. इसमें फर्स्ट इज ट्री कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नोड्स, एग्जैक्टली वन रूट, तो जो पेरेंट है
किसी भी नोड का, तो वो उसका पेरेंट है, दूसरा उसका चाइल्ड है, और जितने चाइल्ड्स हैं किसी एक पेरेंट के, तो वो सब आपस में सिबलिंग्स हैं। दे हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट, और जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है दैट इज कॉल्ड लीफ। अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोड एन इज आइदर एन इटसेल्फ और अ चाइल्ड ऑफ एन, और जो जितने उसके आगे चाइल्ड हैं सब डिसेंडेंट्स हैं किसी एक नोड के। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी क्या चीज है? अ ग्रामर कैन हैव मोर देन वन पार्स ट्री जनरेटिंग अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, यानी कि अगर एक ग्रामर से हम डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर लें तो दैट ग्रामर इज नोन एज एम्बिग्यूस, तो वो ग्रामर एम्बिग्यूस होगी। टू शो दैट अ ग्रामर इज एम्बिग्यूस ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड अ टर्मिनल स्ट्रिंग दैट इज यील्ड ऑफ मोर देन वन पार्स ट्री। मीन्स कि अगर हम एक ग्रामर के दो पार्स ट्री डिफरेंट बना ले और उनके जो यील्ड्स हैं पार्स ट्री वन और पार्स ट्री टू, इनके यील्ड्स डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स ये ग्रामर जो है वो एम्बिग्यूस है। मतलब जितनी मर्जी हम उसका डेरिवेशन कर लें, उसका जो जो फाइनल रिजल्ट है वो एक ही आना चाहिए। यानी कि अगर इसके रिजल्ट में 9-5+2 के रिजल्ट में 6 आने के बजाय कोई और आंसर आ जाए, तो इट मीन्स कि ग्रामर एम्बिग्यूस है, इसमें कोई फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम है। इसको जब कंपाइल करेंगे कभी कोई रिजल्ट दे देगा, कभी कोई रिजल्ट दे देगा, एम्बिग्यूटी इसको पता नहीं लगेगा। तो ये इस चीज को दूर करने के लिए हमें जो चीज देखनी पड़ती है वो है एसोसिएटिविटी, कि भी इन दोनों में से किसकी एसोसिएटिविटी ज्यादा है, लेफ्ट की है या राइट की है, या इनमें से किसकी अहमियत ज्यादा, प्रेसिडेंट किसकी ज्यादा। तो कंसीडर ए ग्रामर कहते हैं, लेट्स सपोज ए ग्रामर है जिसमें स्ट्रिंग है, प्रोडक्शंस हैं, टर्मिनल्स हैं और एक स्टार्टिंग सिंबल है। यानी कि स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है और उसके जो नॉन टर्मिनल्स वो भी स्ट्रिंग है, टर्मिनल्स ये सारे हैं और उसके सेट ऑफ प्रोडक्शन, और ये उसके सेट ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स के स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड किया जाता है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से माइनस किया जाता है, और ये उसके सारे आगे 0-1 से लेके 9 तक उसके टर्मिनल्स हैं। सो दिस ग्रामर इज एम्बिग्यूस बिकॉज मोर देन वन पार्स ट्री रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिंग 9-5+2। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह। इसमें एक चीज और देख लें कि जो भी हमने डिस्कस किया, ये ग्रामर है कंप्लीट ग्रामर। इसमें जो पहला उसका सेट का जो पहला मेंबर है, या इसमें जितने भी नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, वो है नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। लेट्स सपोज ये इस फॉर्मेट को समझने के लिए जो पिछली ग्रामर है उसको मैं एक दफा रीराइट करता हूं इस फॉर्मेट के अंदर। G इज इक्वल टू, उसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल्स दो थे, फर्स्ट इज लिस्ट और सेकंड इज डिजिट। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्म। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल्स थे, टर्मिनल्स हमारे पास थे प्लस माइनस 0 से लेके 9 तक, ये हमारे पास टर्मिनल्स थे। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ प्रोडक्शन थी, वो जो ग्रामर के चार रूल्स थे, और उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग सिंबल था दैट इज लिस्ट। तो ये मेरा वो कंप्लीट हो जाता है जो सेट है, ये ग्रामर की मैंने उस ग्रामर को एक वन लाइनर में जो है रिप्रेजेंट किया। ये सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के एक फॉर्म है जिसमें किसी भी ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये प्रोडक्शंस है, इसमें जो ये चीज है ये ओरिंग है कि इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं इस प्रोडक्शंस को, जिस तरह हमने पिछली ग्रामर लिखी थी, लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 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 माइनस स्ट्रिंग स्ट्रिंग 0 से लेके 9 तक। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें दो आरा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, दोनों का मतलब भी सेम है, ये सिर्फ उसको एक वन लाइनर फॉर्म में लिखा गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि
इस ग्रामर से दो पार्स ट्री कैसे जनरेट होते हैं। ये पार्स ट्री तो हमने जनरेट किया था जो लिस्ट और डिजिट की मदद से किया था कि सबसे पहले हमने इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्शन यूज हुई स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ, दूसरा हमने जो हमारे पास ये प्रोडक्शन वन है, ये प्रोडक्शन टू है और ये प्रोडक्शन थ्री है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग प्लस, या तो हमने जो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग प्रोडक्शन वन यूज की, इसके बाद हमने इसी को रिप्लेस किया। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं माइनस के लिए, तो हमारे पास माइनस की प्रोडक्शन टू है, तो इसको हम कह रहे हैं स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, और यहां पे हमने प्रोडक्शन टू यूज की। अब स्ट्रिंग से हमने रिप्लेस किया नाइन को, तो यहां पे हमने प्रोडक्शन यूज कर दी थ्री, माइनस स्ट्रिंग वैसे ही और प्लस स्ट्रिंग वैसे ही। इसके बाद हमने नाइन माइनस इसको फाइव से रिप्लेस कर दिया, और यहां पे भी प्रोडक्शन यूज की थ्री, और प्लस टू कर दिया, यहां पे भी प्रोडक्शन यूज की थ्री। तो ये हमने इसको इस चीज को जनरेट करके देखा, तो ये हमने इसको इस सेट से जनरेट कर लिया। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्स ट्री नहीं होना चाहिए, यानी कि ये किसी और तरीके से डेरिवेशन ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये आया किसी और तरीके से ड्राइव हो सकता है या नहीं। अगेन स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। अब मेरे पास एक रूल है स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग टू वाला, अब मैं वो पहले अप्लाई कर देता हूं, स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग। अब मैंने रूल नंबर टू यहां पे अप्लाई कर दिया थ्री, अब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग से, यानी कि रूल नंबर वन यहां अप्लाई कर दिया फोर। अब यहां पे क्या हुआ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से नाइन माइनस फाइव और प्लस टू, ये मैं एक ही दफा कर रहा हूं, लेकिन तीन दफा तीनों रूल अप्लाई हुए। तो ये मेरे पास एक और तरीके से भी इसकी डेरिवेशन आ गई, यानी कि इसका जो सिंटेक्स ट्री है वो डिफरेंट हो गया। जब इसका सिंटेक्स ट्री डिफरेंट हो गया तो इट मीन्स कि देयर इज एरर, ग्रामर एम्बिगुअस है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से लीफ से, तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे फाइव प्लस टू सेवन, देन नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू, और यहां पे चूंकि हमारे पास पहले प्लस हो रहा है और पहले हमने इनको सबको एग्जीक्यूट करके फिर इसके रिजल्ट को ऊपर लेके जाना है। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो यहां पे स्ट्रिंग आएगा फाइव, यहां पे स्ट्रिंग आएगा नाइन, नाइन यहां पे जो बनेगी वो नाइन माइनस फाइव होगा जो कि फोर, और यहां पे बनेगा फोर प्लस टू जो कि होगा सिक्स। इसको एग्जीक्यूट करें तो कैसे होगा, स्ट्रिंग इज इक्वल टू नाइन, स्ट्रिंग इज इक्वल टू फाइव, और ये स्ट्रिंग इज इक्वल टू टू। अब ये फाइव प्लस टू पहले ऊपर जो होंगे वैल्यूज की अभी नहीं है, तो ये वैल्यू होगी फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, और ये ऊपर जाएगा नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू, तो इसका रिजल्ट टू आ रहा है, इसका रिजल्ट सिक्स। दो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं एक ही ग्रामर से, सो दैट इज एन एरर। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शंस, इनके जिन प्रोडक्शंस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट है तो लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शंस होंगे। फॉर इंस्टेंस लिस्ट माइनस डिजिट और डिजिट, नाइन माइनस फाइव माइनस टू हैव द सेम मीनिंग जो कि नाइन माइनस फाइव माइनस टू के, मीन कि इनमें से अगर कोई भी पहले माइनस कर दें, लेट्स सपोज अभी हम देखते हैं नाइन माइनस फाइव माइनस टू, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, दूसरी तरह देखते हैं नाइन माइनस फाइव माइनस टू, नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू नो माइनस सिक्स, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। नाइन नाइन फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, नाइन फाइव थ्री, नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या चीज कि हमने इसकी एसोसिएटिविटी डिफाइन नहीं की कि इसमें एग्जैक्ट सही रिजल्ट कौन सा है, क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है तो इट मीन्स नाइन माइनस फाइव माइनस टू के पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के नाइन माइनस फाइव फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू इज द राइट आंसर, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें इस पार्ट में हमने इसका एसोसिएटिविटी का ख्याल नहीं रखा। तो अगर इसको इस तरह लिख लिया जाए तब भी ठीक है जहां पे क्लियर हो, लेकिन अगर इस तरह लिखा जाए तब भी ठीक है जब एसोसिएटिविटी डिफाइन हो जाए। राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैव राइट रिकर्सिव प्रोडक्शंस, फॉर इंस्टेंस जिस तरह असाइनमेंट है ये राइट
एसोसिएटिव है, यानी कि पहले राइट से साइन होगा फिर आगे साइन होगा। मीन्स कि पहले सी की वैल्यू बी को साइन होगी फिर बी की वैल्यू ए को साइन होगी, जो कि करेक्ट होगा। अगर हम इस तरह कर दें, ए की वैल्यू पहले बी की वैल्यू पहले ए को साइन कर दें फर्स्ट और सेकंड, अगर हम इस तरह कर दें इसको फर्स्ट कर दें और सी की वैल्यू फिर बी को साइन करें, तो ये गलत है, क्योंकि ये इस ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट है, और माइनस या प्लस कोई भी ले लें इन दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ्ट है। सो पार्ट थ्री फॉर लेफ्ट एंड राइट एसोसिएटिव ग्रामर्स के जो अभी हमने 9-5-2 की देखा, इसका ये पार्ट थ्री बनता है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा 9-5=4 और इसका 2, तो फिर 4-2=2 हो जाएगा, तो तब करेक्ट आंसर आएगा। अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी का ख्याल ना रखते तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 6 आ रहा होता, जो कि गलत था। सिमिलरली असाइनमेंट में ये राइट है तो ये राइट साइड पे ड्राइव हो रहा है, इसमें भी पहले सी बी को साइन होगा और फिर बी ए को साइन होगा, जो कि क्लियर नजर आ रहा है इसमें। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सेकेंड थिंग इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कंसिडर द एक्सप्रेशन 9+5*2। अब इसमें जो हमारा मैथमेटिकल जो प्रेसिडेंस है वो ये बताता है कि पहले स्टेरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा फिर प्लस हो, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है 5 10+9=19। सो देर आर टू पॉसिबल इंटरप्रेशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, एक ये चीज और एक ये चीज। अब ये हमें प्रेसिडेंस बताएगी ऑपरेटर की, कौन सी फॉर्म ठीक है और कौन सी फॉर्म गलत है। अकॉर्डिंग टू दी प्रेसिडेंस ये फॉर्म ठीक है और ये फॉर्म गलत है, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की, और प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है। इससे द एसोसिएटिविटी रूल्स फॉर प्लस एंड स्टेरिक अप्लाई टू ऑकरेंसेस ऑफ द सेम ऑपरेटर, डू नॉट रिजॉल्व द एम्बिग्युइटी। A grammar for expression can be constructed from a table showing associativity and precedence of operators. तो ये हमारे पास ये एक associativity of precedence table है जो decide करती है कि left to right और precedence किसकी ज्यादा। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो भी हमने बात की multiplication का है, उसकी associativity 5 है, precedence इसका precedence 6 है, जो सबसे ऊपर है इसका precedence high है यानी कि पहले, और ये सबसे लो है जो सबसे नीचे है, यानी कि हाई टू लो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास ऊपर आ रहा है और एडिशन नीचे आ रहा है, तो यहां पे हम इस मदद से इसको प्रेसिडेंस की मदद से इसको चेक करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ 4 कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड अ प्रेसिडेंस टेबल शोइंग द ऑपरेटर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रेसिडेंस। यहां पर हमने बता दिया कि जो लेफ्ट एसोसिएटिव है दोनों, लेकिन पहली प्रेसिडेंस जो है वो प्लस की है और दूसरी माइनस की है लेफ्ट एसोसिएटिविटी में, और सेकंड जो है वो मल्टी स्टेरिक और डिवाइड की है, लेकिन पहले स्टेरिक बाद में डिवाइड, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है। नाउ यू कैन क्रिएट टू नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन एंड टर्म, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से थे, फॉर द टू लेवल ऑफ प्रेसिडेंस एंड एन एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल फैक्टर फॉर जनरेटिंग बेसिक यूनिट्स इन एक्सप्रेशन। The basic units in expressions are presently digits and parenthesized expressions. तो हम इसको देखते हैं जरा एग्जैक्टली क्या है कि अब हम टर्म को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टर्म को फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फैक्टर भी दे सकते हैं किसी टर्म को। सिमिलरली एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहता है, एक्सप्रेशन को टर्म से एड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को टर्म से माइनस कर सकते हैं, और सिंपल टर्म भी इसको दे सकते हैं। फैक्टर्स हमने एक नई चीज इंक्लूड किया ताकि वो दूसरे मल्टीप्लायर डिवाइड ऑपरेटर को भी हम इसमें कोप कर सके। तो जो हमारी फाइनल ग्रामर बनेगी वो कुछ इस किस्म की होगी कि एक एक्सप्रेशन जो है उसको टर्म के साथ ऐड कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन को टर्म से माइनस कर सकते हैं, या सिंपल एक एक्सप्रेशन को टर्म भी असाइन कर सकते हैं। टर्म जो है वो फैक्टर में से मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, या सिंपल फैक्टर भी साइन हो सकता है, और फैक्टर जो है वो या डिजिट हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन भी अगेन हो सकता है। इस तो यहां पे हमने देखा है कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर होगा तो वो एक्सप्रेशन के ऊपर फिर यही रूल लगेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन।
क्लियर, यानी कि अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर भी यही ग्रामर उसको जो है वो एंटरटेन करेगी। लेट्स सपोज अब हमारे पास ये ग्रामर है और ये इसकी प्रोडक्शन है तीन, इसमें हमारे पास टर्मिनल्स भी आ गए, नॉन टर्मिनल्स भी आ गए। अब हम इस ग्रामर से इस चीज को जो है वो जनरेट करते हैं जो कि एग्जैक्ट ये मतलब देगी जो पैरेंथेसिस के साथ दे रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टार्ट सिंबल जो है वो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। नाउ वी क्रिएट कि ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है जो किसी भी ग्रामर का पार्ट है, एक्सप्रेशन। देन हमने इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई किया है, हमने एक्सप्रेशन प्लस और टर्म, टर्म को आगे डिवाइड किया है किसमें, टर्म स्लैश फैक्टर, फिर टर्म को फैक्टर और फैक्टर को नंबर और नंबर को थ्री से, इसी तरह टर्म फैक्टर फैक्टर नंबर और नंबर को थ्री। यहाँ पे हमने इसमें नंबर नहीं यूज किया, इसमें हमने डिजिट यूज किया, तो हम इसको नंबर की जगह यहाँ पे डिजिट भी दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा, डिजिट इज इक्वल टू थ्री, नंबर और डिजिट थ्री, इसमें डिजिट इज इक्वल टू फाइव और फिर फैक्टर हो जाएगा फाइव, इसमें फैक्टर फाइव, देन टर्म भी फाइव होगी, फिर फाइव इज इक्वल टू फाइव स्टेरिक, फाइव इज इक्वल टू 25। अब एक साइड का एक उसके चाइल्ड का रिजल्ट आ गया, दूसरी साइड से डिजिट इज इक्वल टू टू, सेम फैक्टर को साइन हो जाएगा, सेम टर्म को और सेम एक्सप्रेशन को। अब यहां पे एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा 2 प्लस 25, तो इसका रिजल्ट होगा 27, तो जो कि होना भी यही चाहिए, 5 थ्री 5 इन 2 3, दिस इज 3 नॉट 5, सॉरी 5 थ्री 15, यहां पे 15 होगा तो ये 17 बन जाएगा। तो ये एग्जैक्टली रिजल्ट भी मेरे पास यही आएगा, 2 प्लस 3 इंटू 5, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो ये चीज है जो देखिए, और अगर हमने सिंपल प्रेसिडेंस को देखा जाए तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा 15, देन एडिशन होगी, एडिशन का रिजल्ट आएगा 17। तो ये सेम रिजल्ट आ रहा है जो कि इस पैरेंथेसिस के साथ आ रहा है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का हमें ये फायदा है, ये हमारे पास एक टेबल है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस टेबल, जो कि बताता है कि तमाम ऑपरेटर्स जितनी भी हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर उनकी क्या प्रेसिडेंस है और क्या एसोसिएशन है। तो ये आपके ऊपर है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, सारा इसमें हर चीज क्लियर कर, यूनरी ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्कोप रेजोल्यूशन की है जो कि हम यूज नहीं करते, देन यूनरी ऑपरेटर्स की, पैरेंथेसिस की, देन डॉट की, मतलब सब ऑपरेटर है इसमें से जो हम चाहे यूज कर लें जो ना यूज करें, बट दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ऑफ द ऑफ ऑल ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंस एंड देयर एसोसिएटिविटी। So this is all for today. Thank you guys. Have fun.